आपकी जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ मध्य प्रदेश के तेज तर्राक जिनकी आवाज से लोगों को मिर्ची लगती है, मिर्ची बाबा हमारे साथ हैं। मिर्ची बाबा जी, आज समूचे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की आवाज दबी हुई है और अतिथि शिक्षक कहीं ना कहीं अब आपके भरोसे बैठे हैं कि आप उनकी कुछ आवाज उठाएंगे उनके लिए। देखिए, अतिथि शिक्षकों की बात जहाँ तक आती है वहाँ तक हम इसलिए उठाएंगे कि ज्योतिराज सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों के लिए कहा था और सारे लोगों के लिए कहा था, इनका कोई काम नहीं होता है तो हम रोड पर उतर जाएंगे। लेकिन हम इन अतिथि शिक्षकों को एक चीज़ कहना चाहते हैं कि ज्योतिराज तो बात के धनी नहीं थे तो रोड पर नहीं उतर पाए, लेकिन स्वामी वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा बात के धनी हैं। हम इनके सबके साथ रोड पर उतरेंगे। और पहले बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि धैर्य रखिए, सबूरी रखिए, बहुत दिन की बात नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस की सरकार बन रही है और वहाँ कमलनाथ जी निर्णय नायक निर्णय इनके लिए लेंगे, ये मैं संपूर्णता से विश्वासी कह सकता हूँ। आपने भी एक दिग्विजय सिंह जी के लिए मिर्ची हवन किया था कि दिग्विजय सिंह चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव उन्हें हारना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं गोदी मीडिया जो आज भारत में है वो गोदी मीडिया का एक बड़ा फंडा चल रहा है, और वो फंडा ये चल रहा है गोदी मीडिया का कि अमित शाह अगर कोई भाषण दे दें तो उस जुमला को जुमला नहीं दिखा सकते हैं। अगर भारत का कोई सन्यासी दे दे तो उसी बात पर खड़े रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उस गोदी मीडिया को कि अमित शाह ने मंच से घोषणा की थी कि हर प्राणी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, मीडिया तक इस सवाल को क्यों नहीं करती है, करना चाहिए। मोदी जी ने कई घोषणाएं की कि हम भारतवर्ष में किसी को भी बेरोजगार नहीं रहने देंगे, लेकिन आज मेरे देश में, मेरी समाज में आप देखिए कि प्रतिदिन 2000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कहां है गोदी मीडिया? इसलिए मीडिया की आवाज है ताकत रख करके और सत्य की कलम लेकर के सच को सच कहे, और सच को सच कहने के बाद में मैं आज फिर कहता हूं कि मैंने समाधि की घोषणा की थी, मैंने संकल्प की घोषणा की थी, लेकिन कारण ये रहा कि बीजेपी के कुछ लोगों ने मेरा हवन नहीं होने दिया, यज्ञ नहीं होने दी और पूरी संकल्प शक्ति पूर्ण नहीं होने दी तो कैसे संकल्प होता, चुनाव आयोग ने रोक दिया था, आप अंदाज लगाइए। तो इसलिए मैं आज कहना चाहता हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं वो संत हूँ जो श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया के लिए भी मैंने बोला था कि कोई साथ नहीं आएगा तो 20,000 साधुओं को लेके मैं आऊँगा। लेकिन आज आप इस बात को ध्यान रखिए कि दुर्योधन रूपी जबरन का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जनता का चीरहरण करने वाला, जनता के जनमत का चीरहरण करने वाला ज्योतिराज सिंधिया और शिवराज के दोनों की मिली भगत से सोई तो रेत, माफिया चरण सीमाओं से ऊपर जा रहे हैं। इसके लिए आज आवाज़ उठाइए और इस आवाज़ के साथ में भारत के सभी संत हैं और संतों के साथ कमलनाथ की पुनः सरकार बनेगी, ये बिल्कुल तय है। जिस तरीके से पूरे देश का मीडिया आज रिया चक्रवर्ती की बात कर रहा है और हमारा देश का तमाम बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, मोदी के पास रोजगार के लिए उनको रोजगार देना नहीं है, पूरा मीडिया रिया चक्रवर्ती बोल रहा है। देखिए, आज का वर्तमान जो युग है उसमें सारे यंग बच्चों को आगे आना पड़ेगा और कोरोना जैसी महामारी में हमारे भारत का प्रत्येक बच्चा संविधान का पालन कर रहा है, और पालन इसलिए कर रहा है कि देश कोरोना जैसी महामारी में आज जूझ रहा है तो इसलिए पालन कर रहा है। जिस दिन हम कोरोना पर विजयश्री प्राप्त करेंगे भगवती की कृपा से, उस दिन हर बच्चा रोड पर उतरेगा और इनको जवाब देगा। जय हिंद, जय भारत।